ताजमहल पुलिस ने अफीम के बड़े तस्कर को 3 किलोग्राम अफीम के साथ धर दबोचा। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दी। उन्होंने बताया कि अफीम की तस्करी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि राजमहल थाना अंतर्गत हसन टोला निवासी हमीद राजा, जो पुराना अफीम तस्कर है, इसके द्वारा बड़ी मात्रा में अफीम लाकर अपने घर पर रखा गया है, जिसे सुबह में विभिन्न स्थानों में बिक्री हेतु भेज दिया जाएगा। गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा हमीद राजा के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में हमीद राजा के घर से प्लास्टिक के थैले में रखा हुआ करीब 3 किलोग्राम अफीम, अफीम तौलने में प्रयुक्त होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, 2 मोबाइल तथा 2,44,000 रुपए बरामद किए गए, जिससे विधिवत जब्त की सूची जब्त किया गया तथा प्राथमिकी अभियुक्त हमीद राजा को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल दिनांक 25/26 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई DSP राजमहल को कि अफीम का एक बड़ा खेप राजमहल थाना क्षेत्र में आया है, जिसके आलोक में हसन टोला निवासी हमीद रजा के घर पर छापामारी की गई और उस छापामारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसके घर से 3 किलो अफीम बरामद किया गया है, एक तौलने की मशीन, 2 मोबाइल तथा 2,44,000 रुपये भी नकद बरामद किए गए हैं। इस टीम में इनके अतिरिक्त राजमहल के पुलिस पदाधिकारी, अफसर इंचार्ज वगैरह सभी लोग थे। एक बेहतरीन काम हुआ है। इन सारे कार्य के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने का आपके द्वारा बताया गया स्वीकारोक्ति बयान में कि यह 7 लाख रुपए किलो प्रति किलो परचेज करके लाते हैं और इसकी बिक्री अपने हिसाब से करते हैं, तो इनके हिसाब से 7 रुपये इनका कॉस्ट पड़ता है और जो ये बेचते हैं लगभग दुगने दाम पे बेचते हैं।